नमस्कार दोस्तों, मैं राजनारायण, मोटिवेशनल स्पीकर, आपका दोस्त। साथियों, जिंदगी का हर पल हर लम्हा कोई ना कोई एक नई सीख देता है, कोई ना कोई एक नई प्रेरणा देता है, जिससे आप अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं, जिससे आप अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आज के समय में भारत ही नहीं, पूरी दुनिया ठहर सी गई है, पूरी दुनिया थम सी गई है, पूरी दुनिया स्थिर हो गई है। ऐसे समय में भी आपको सीखने का मौका है, ऐसे समय में भी आपको नया करने का मौका है, ऐसे समय में आपको प्रोत्साहित होने का मौका है। बस जरूरत है आपको कदम बढ़ाने की, बस जरूरत है आपको सीखने की, बस जरूरत है अपने अंदर ललक पैदा करने की। साथियों, रामायण की उस कहानी के माध्यम से आपको बात बता रहा हूं, जिससे आप भी अपने जीवन में बहुत बड़ी सीख ले सकते हैं। युद्ध भूमि में जब लक्ष्मण को शक्ति बाढ़ लगता है, सुसैन वैद्य बुलाए जाते हैं और वो कहते हैं कि अगर सुबह तक संजीवनी बूटी नहीं आई तो लक्ष्मण के प्राण नहीं बचेंगे। हनुमान संजीवनी बूटी लेने के लिए उड़ चलते हैं। दोबारा जब वो वापस आते हैं तो अयोध्या की तरफ से गुजरते हैं, निकलते हैं, तो भरत की नजर पड़ जाती है। भरत को ऐसा लगता है कि कोई संकट आ गया है, कोई विपत्ति आ गई है, राम जो है अयोध्या में है नहीं, तो हो सकता है किसी ने आक्रमण कर दिया हो या किसी दुष्ट की ये चाल है जो अयोध्या पर कोई विपत्ति या संकट ला सकता। इसलिए भरत ने वार चलाया और हनुमान हे राम कहते हुए नीचे आ गए। तभी भरत को लगता है, जब राम की आवाज सुनते हैं, जब राम की बात सुनते हैं, तो भरत को ये लगता है ये तो मेरे बड़े भाई का कोई दूत है, कोई सेवक है। हनुमान से परिचय पूछते हैं। हनुमान रणभूमि की सारी बातें बताते हैं। वो बताते हैं कि मेघनाथ के शक्ति बार से लक्ष्मण मूर्छित हैं, अगर सुबह तक ये संजीवनी बूटी लेकर मैं नहीं पहुंचा तो शायद उनके प्राण नहीं बच सकेंगे। भरत व्याकुल हो जाते हैं, तुरंत तीनों माताओं को बुलाते हैं और लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को बताते हैं। सारी तीनों माताएं जो है वो व्याकुल हो जाती हैं, उनकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। कौशल्या पूछती हैं कि मेरा लक्ष्मण कैसा है, कैकेयी पूछती हैं कि लक्ष्मण कैसा है, सुमित्रा भी रो पड़ती हैं, कहती हैं कि मेरा बेटा, मेरा लाल कैसा है। मगर उर्मिला के चेहरे पे ना तनिक सिकन थी, ना शोक था, ना डर था, ना भय था। हनुमान को संशय हुआ। हनुमान ने ये सोचा, ये कैसी अद्भुत लीला, जिसका पति रणभूमि में मूर्छित है, अगर मैं समय से संजीवनी बूटी लेकर नहीं पहुंचा तो शायद उनके प्राण भी जा सकते हैं, मगर उनकी पत्नी के चेहरे पर तनिक भी संकोच नहीं, तनिक भी डर भी नहीं, तनिक भी भय नहीं, तनिक भी शंका नहीं, तनिक भी शोक भी नहीं। अंत में हनुमान जो है माँ उर्मिला से सवाल करते हैं कि माँ, आपका पति युद्ध भूमि में धराशाही है, मूर्छित है, और आप जो है जरा भी चिंता नहीं कर रही, जरा भी परेशान नहीं हो रही। मैं देख रहा हूं कि तीनों माताएं रोती चली जा रही, भरत भैया भी आंख में आंसू लिए शोक में डूबे हुए हैं, लेकिन आपके चेहरे पर तनिक भी संकोच और चिंता नहीं है। तब उर्मिला ने कहा कि हनुमान, मैं युद्ध भूमि को नहीं देख रही, युद्ध भूमि का दृश्य जो है तुमसे अच्छा कोई वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि तुम पूरे समय युद्ध भूमि में रहे हो, लेकिन मैं वहां के दृश्य की ओर लेकर चल रही हूं। ये बताओ, रणभूमि में, युद्ध भूमि में सो कौन रहा? हनुमान ने कहा कि सो तो लखन रहे हैं, यानी लक्ष्मण सो रहे हैं। बोले, रो कौन रहा? तब हनुमान ने कहा, रो तो प्रभु राम रहे हैं, अपने भाई की इस स्थिति को देखकर वो व्याकुल हो जा रहे हैं, वो व्यग्र हो जा रहे हैं, और उन्होंने यहां तक कहा कि आज अगर लक्ष्मण नहीं उठा तो वो अपने प्राण भी त्याग देंगे। तब उर्मिला ने कहा, देखो प्रभु की लीला कैसी, कि जिसको चोट लगी है, जिसको घाव लगा है, जिसको बाढ़ लगा है, जिसे रोना चाहिए वो आराम से सो रहा है, और जिसे दर्द नहीं है, तकलीफ नहीं है, यानी प्रभु राम को वो रो रहे हैं, वो व्यग्र हो रहे हैं, वो आंसुओं की धाराओं से नहाए उठे हैं, यही अंतर है। उर्मिला ने कहा कि मेरे पति के रोम रोम में राम समाहित हैं, उनके कोई ऐसा शरीर में स्थान नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर कोई भी मेघनाथ का वार उन्हें भेद सके या उनके शरीर में प्रवेश कर सके। वो तो राम ने देख लिया था, यानी बड़े भैया ने देख लिया था कि लक्ष्मण बहुत दिनों तक सोया नहीं है, अगर उसे कहूंगा कि सो जाओ, आराम कर लो, तो वो आराम नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने इस बहाने से उन्हें थोड़ा सा
आराम करने के लिए कह दिया। इस बहाने उन्होंने थोड़ा सा उन्हें सुलाने के लिए कह दिया कि इस बहाने कम से कम लक्ष्मण आराम तो कर लेगा, कम से कम लक्ष्मण अपने आप की थकावट को मिटा तो सकेंगे। कौन सी ऐसी शक्ति है जो राम के रहते हुए मेरे पति को तनिक भी घायल कर सके या तनिक भी मूर्छित कर सके। साथियों, ये समय ऐसा है, प्रकृति ने भी आपको आराम करने के लिए समय दिया है। प्रकृति ने भी ये सोच लिया था कि आपकी जिंदगी में भाग दौड़ बहुत है। प्रकृति ने भी ये सोच लिया था कि दिन भर आप केवल भाग रहे हैं पैसा कमाने के लिए, दिन भर आप भाग रहे हैं अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए, दिन भर आप भाग रहे हैं अपने बिजनेस और व्यवसाय के लिए, दिन भर आप भाग रहे हैं अपने आप को आगे ले जाने के लिए। प्रकृति ने सोचा कि आप भी थोड़ा आराम कर लीजिए, अपने परिवार के साथ समय दीजिए, अपने लोगों के लिए समय दीजिए, अपने सगे और संबंधियों के लिए समय दीजिए। इसलिए साथियों, सबसे अच्छा अवसर ये है, सबसे बढ़िया मौका है आपके लिए। आप अपने आप को जानने की कोशिश करिए, आप अपने परिवार को समय दीजिए, आप अपने दोस्तों से खूब जमकर बात करिए। इस समय आप ये मत समझिए कि घरों में कैद हैं। इस समय आप कि जो रिश्ते टूट गए थे, जिस रिश्तों से आपने बात नहीं की थी और लंबा समय हो गया था, उन रिश्तों से बात करने की कोशिश करिए। जिस गांव को आप छोड़ आए थे, वर्षों वर्ष तक अपने बिजनेस और व्यवसाय के कारण उस गांव में लौट नहीं पाए थे, उन गांव के लोगों को फोन पर बात करिए, उनसे दिल की बात करिए, उनसे बचपन की ओर लौटने की कोशिश करिए, अपने पोखर और तालाब की यादें ताजा करिए, अपने बाग और बगीचे की यादों को ताजा करिए, अपने मेड़ और पगडंडी की यात्राओं को ताजा करिए। कैसे बचपन में आप धूल में खूब नहा लिया करते थे, कैसे बचपन में मस्ती के साथ आप डूब जाते थे, कैसे बचपन में आपका जीवन आनंदित रहता था, न कमाने की चिंता होती थी और न आसमान की उड़ान के लिए आप बेचैन होते थे, परेशान होते थे। साथियों, ये समय पुरानी यादों को समेटने का है, ये समय पुराने रिश्तों को जोड़ने का है, ये समय आपस में आपस के दोस्तों में सबसे ज्यादा मेलजोल करने का है। फोन पर जमकर बात करिए, लोगों के हालचाल लीजिए, लोगों से बात करके अपने जीवन को आनंदमय बनाइए। इसलिए अपनी जिंदगी को स्थिर मत समझिए, इसलिए अपनी जिंदगी में ठहराव मत समझिए, इसलिए अपनी जिंदगी को रुका और थमा ना समझिए। साथियों, एक काम और करिए, अगर बंद कमरे में हैं तो अच्छी से अच्छी पुस्तकें पढ़ने की कोशिश करिए, अच्छी से अच्छी किताबें पढ़ने की कोशिश करिए, अपने जीवन में रचनात्मक बातें लाने की कोशिश करिए। कुछ ऐसे WhatsApp पे मैसेज आते हैं जो आपको प्रोत्साहित करते हैं, जो आपको प्रमोट करते हैं, जो आपके अंदर ऊर्जा भरने का काम करते हैं। एक डायरी निकालिए और उन मैसेज को लिखिए और फिर उसे पढ़िए, और पढ़ने के बाद आप तरोताजा अपने आप को महसूस करिए। जीवन में तमाम खेल होते हैं, जिंदगी में तमाम बातें आती हैं, ऐसे बातों में ना रुका जाता है, ना ठहरा जाता है, ना थमा जाता है, बस जिंदगी को आनंद के साथ जीने की कोशिश की जाती है। और वही आज प्रकृति ने आपको मौका दिया है, इसी के साथ आप जिए, इसी के साथ आप जीने की कोशिश करिए, देखिए आपके जीवन में जरा भी ठहराव नहीं होगा। साथियों, हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।